गौतम जी, पीजीटी पॉल साइंस, श्री एसपी गौतम जी। सर बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ सर, अभी आ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उस महामानव जिन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के तहत जो मूक समाज था उसको जुबान मिली, और उसको मैं नमन ही नहीं करता, उनको अपना आदर्श भी मानता हूं। आज के इस धरने प्रदर्शन में जो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच की तरफ से रखा जा रहा है, उसके सभी पदाधिकारीगण जो बड़े संघर्ष के साथ इधर आए हुए हैं, विजेंद्र जी, टी आर मीना जी, मुनेश जी तथा अन्य इसके पदाधिकारीगण, जैसा कि समय समय पर आपको देखने को मिलता है कि देश के अंदर दो तरह की व्यवस्था होती है, दो तरह की बातें चलती हैं, और आज भी वही बातें देखने को मिल रही हैं कि शिक्षक समाज में भी जब प्रमोशन होने जा रहा है तो उसमें रोस्टर को लागू नहीं किया जा रहा है, जो एक कोर्ट का आदेश है, जो एक कोर्ट का आदेश है उसमें रोस्टर को लागू नहीं किया जा रहा है। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो शिक्षक हैं, वाइस प्रिंसिपल का जो प्रमोशन होने जा रहा है उसमें तो ठीक से हमारा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, लेकिन जो पीजीटी का है उसमें कम मिलेगा, तो उसे हमारे जो अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राइट टू एजुकेशन में ठीक तरीके से ये प्रावधान किया, ये प्रोविजन किया है कि इक्वलिटी के अधिकार के तहत हमारा ये दायित्व है कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है ना कि भीख है। तो उस अधिकार के तहत ही हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे तो लाइन याद आ रही है कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसके दिल में शिक्षकों के लिए प्यार नहीं। तो यहाँ सारे साथी शिक्षक बैठे हुए हैं, यदि उनके साथ हमदर्दी नहीं है तो सही मायने में हमारे अंदर और जिनके साथ ऐसा होता है उनमें मानवता नहीं है। साथियों, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस समय GST का कार्यालय सचिव हूँ, और पहले मैंने SCST जो यूनियन है उसी के तहत मैंने काम किया है, उसी के बैनर तले मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारे से जितना भी जो भी सहयोग होगा, हर तरह का सहयोग पूरा आपको मिलेगा, और मैं अपनी नहीं कहता, पूरे GST की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो आपको पूरा मिलेगा। और हम पहले भी GST वाले SCST यूनियन के साथ पहले भी थे और भविष्य में भी साथ में ही रहेंगे, ऐसा आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं। हमारी तरफ से हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट श्री यशपाल मलिक जी भी आए हैं, वो भी इधर आपको कुछ अपना विचार रख करके संदेश देंगे, वो भी आपका कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहते हैं। और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि हर पल में आपके साथ हैं। साथियों, में एक और बात कह देना चाहता हूँ कि SCST मिलाकर के 22.5% जो नियम और कानूनों के अनुसार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था उसके अनुसार भी 22.5% बनता है। यदि 22.5% यदि शिक्षक हो या अन्य कर्मचारी हो कहीं भी एक साथ उठ करके खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आने वाली सरकार है उसको बिगाड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं और बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं यदि वो यूनाइट होकर के ये काम करें तो। लेकिन ऐसा जो कूटनीतिक लोग होते हैं वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अपनाते हैं और कहीं कहीं बिखराव पैदा कर देते हैं, उनका सही अंजाम या उसका सही संदेश नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा अब हम उसको सोच लेना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि जो SCST के जो लोग हैं और साथ में ये SCST के द्वारा है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ SCST और OBC के लोग यदि इसके अंदर मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर ये हमारी जो मांग है वो तो मानी ही जाएगी। हम हर जगह की जो लड़ाई है हर बिजली बात को बनाने में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी विद्वान की जो दो बातें कही हूँ मुझे याद आ रही है, दो लाइनें, कि लक्ष्य आंखों से ओझल न होने पाए, कदम मिला करके चल।
लक्ष्य आंखों से ओझल न हो पाए, कदम मिलाकर के चल, सफलता तेरे कदमों को चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसी रूप से आप कदम मिला के चलेंगे तो सफलता जो आपको अवश्य मिलेगी। तो मेरा आपसे ज्यादा न कहते हो, क्योंकि मेरे सीनियर साथी भी यहाँ बैठे हो, वो भी अपनी विचार रखेंगे, तो मैं कम शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं SC ST जो यूनियन है उसके साथ पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा, और पूरी GST के साथ आपके साथ रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय।